नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। भाजपा सांसदों से बोले पीएम मोदी, मेरे कहने पर आपके बेटे का टिकट कटा, इसके पीछे मैं ही जिम्मेदार। चुनाव की तारीख को बदलने के लिए ममता बनर्जी सरकार ने केंद्रीय चुनाव आयोग को लिखा पत्र। उपचुनाव के लिए भाजपा ने गठित की प्रतिबंधन समिति, सुवेंदु अधिकारी बनाया गया आसनसोल के पर्यवेक्षक। अवंतीपोरा मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मार गिराए एक आतंकी, अभियान अभी भी जारी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार देश, रूस पर अब भी सबसे ज्यादा निर्भरता। संदीप दीक्षित ने कांग्रेस आलाकमान पर किया हमला, कहा अहंकार से भरी है नेतृत्व। भिलवाड़ा में धर्मस्थल को लेकर तनाव, मांडला और बनेड़ा के बाद शाहपुरा बना आहत। कर्नाटक हाई कोर्ट ने छात्राओं की याचिका की खारिज, कहा हिजाब इस्लाम में जरूरी नहीं। मुद्रा पोर्ट पर बरामद हेरोइन के तार, पाक आतंकी से जुड़े एनआईए का बड़ा खुलासा। यूक्रेन से आए छात्र डॉक्टर बने सरकार, यह सुनिश्चित कर रही है, लोकसभा में बोले धर्मेंद्र प्रधान। हिमाचल विधानसभा के घेराव के दौरान बवाल, यूंका अध्यक्ष भंडारी के फटे कपड़े, टांग टूटे। कपिल सिब्बल का गांधी परिवार पर हमला, कहा हम जनता की कांग्रेस चाहते हैं जबकि कुछ लोग घर की कांग्रेस। मुंबई ने दिया जीरो कार्बन उत्सर्जन का रोडमैप, बना दक्षिण एशिया का पहला शहर। सदन में नीतीश के बहस के बाद विधानसभा की कार्यवाही में नहीं पहुंचे विजय कुमार सिन्हा, राजद का बड़ा हंगामा। दिल्ली में भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल का मोबाइल छीना, पुलिस अधिकारियों में मची खलबली। प्रकाश राजभर बोले भाजपा तथा बसपा के मेले में हो गया खेल, हम करेंगे विधानसभा वार समीक्षा। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 में भी चलेगा बुलडोजर, मेरठ में बदन सिंह, बद्दों का अवैध निर्माण, जमी दोष। पोखरण में परीक्षा और पाकिस्तान सीमा तक धमक, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार धनुष। कांस्टेबल बर्खास्त, चौकी इंचार्ज समेत दो पुलिसकर्मी निलंबित, बागपत में एसपी ने की कार्रवाई। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।
आगरा में महिला चिकित्सक का वीडियो वायरल, नवजात की बचाई जान। एटा पेट्रोल पंप पर चाय बनाते समय फटा सिलेंडर, युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। एटा में खाना बनाते समय फटा सिलेंडर, परिजन हुए हादसे का शिकार। एटा में बस चालक का फंदे से लटकता मिला शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मानपुरी में नौकरी को लेकर टूटी उम्मीद, युवक ने झुलाया शैक्षिक प्रमाण पत्र। रायबरेली में पुलिस की मौजूदगी में जमीन पर कब्जा, वायरल वीडियो में मची सनसनी। रामनगरी में शुरू हुआ होली का उत्सव, रंगभरी एकादशी से शुरू हुआ होली का त्योहार। हनुमानगढ़ी पर नागा साधुओं ने खेली होली, 5 दिन पहले शुरू हो जाता है यहां का होली का त्योहार। कानपुर से गोपालगंज पहुंची अतुल्य गंगा की टीम, टीम के सदस्य ने गंगा का बताया महत्व। फतेहपुर में सोजी पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई, 40 लाख की सरिया लदे ट्रक लूट का मामला, सरिया उतरने वाले यार्ड को प्रशासन ने किया जमींदोज। पैदल जा रहे युवक को टेम्पो ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान युवक की मौत, मौत के बाद परिजनों में आक्रोश। आगरा में फिल्म द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने सिनेमा घर पर की तालाबंदी। कान्हा की नगरी में होली की धूम, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में शुरू हुई होली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यूपी भाजपा की जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया, बोले उनमें है जबरदस्त ऊर्जा। सरधना में संगीत सोम के भाषण को लेकर अतुल प्रधान का पलटवार। करहल सीट छोड़ेंगे अखिलेश यादव, आजम खां के रामपुर के सांसद पद से त्यागपत्र देने की संभावना। सलावा में दलितों पर हुए हमले के विरोध में एडीजी से मिले विधायक अतुल प्रधान, पुलिस करेगी निष्पक्ष जांच। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी बोले उत्तर प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था से मिला बहुमत। राष्ट्रीय लोकदल के विधायक दल की लखनऊ में 21 को बैठक, पार्टी के यूपी के सभी फ्रंटल संगठन भंग। रिलायंस ने की वादा खिलाफी, तो एमएमयूटी ने काटी टावर की बिजली, गोरखपुर में प्रभावित हो सकती है जियो की सेवा। गोरखपुर में नर्सिंग छात्रों का आंदोलन, शांति भंग में गिरफ्तार किए गए नर्सिंग छात्र, भेजे गए जेल।
गोरखपुर में ठेकेदार से 5 लाख रंगदारी न मिलने पर प्रधान ने की फायरिंग। तहसील क्षेत्र में अवैध कब्जों पर गर्जा बुलडोजर, 1.25 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त। मेरठ के मवाने में प्रभु खाटू श्याम के भक्तों ने निशाना यात्रा में जमकर खेली होली। एक बार फिर बढ़ चला आंदोलन की ओर, आयुर्वेदिक जूनियर डॉक्टरों ने बंद की ओपीडी। कलियर में तीसरी बार विधायक बनी ममता राकेश, जीत के बाद साबिर पाक दरगाह में की चादर पोशी। जौलापुर में विधायक ने की गंगा पूजन, रवि बहादुर ने की मां गंगा कालिया की आशीर्वाद। नैनीताल में अल्मोड़ा में बैठकी होली, कुमाऊं के नाम से जाना जाता है होली का त्योहार। हरिद्वार में बड़ा हादसा, एम्बुलेंस और कार की हुई भिड़ंत, तो मरीज ने मौके पर ही तोड़ा दम, चालक सहित 3 घायल। मायावती ने उम्मीद के मुताबिक सफलता न मिलने पर जताई चिंता, कहा कमियों को दूर करेगी बसपा। उत्तराखंड में फूल संक्रांति, फूल देवी का पर्व उल्लास, देहरी पूजन के लिए घर घर हुई फुलारी। हार के बाद हरीश रावत ने जाहिर किया दर्द, कहा शीर्ष नेतृत्व को अंधकार में रोशनी पैदा करने के मिली शक्ति। अभिनेत्री हाईवे पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान मलबे की चपेट में आई मशीन, ऑपरेटर की जान बाल बाल बची। धनौरी में त्योहारों से पहले प्रशासन अलर्ट, धनौरी पुलिस ने लोगों के साथ की बैठक। किसाऊ बांध परियोजना की जद में आएंगे 2 राज्यों के 17 गांव, लोगों का पुरजोर विरोध, कहा किस भी सूरत में नहीं बनने देंगे बांध। प्रदेश भाजपा संगठन में हो सकता है बदलाव, नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद होगा फैसला। हरिद्वार देहरादून राजमार्ग के लिए नेपाली फार्म्स के लिए धनराशि लेने के बाद भी आरोपित ने नहीं करवाई रजिस्ट्री। मसूरी में पर्यटकों को जाम और धूल का करना पड़ा सामना, नगरपालिका सभा दोनों की जमकर नारेबाजी। चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर, हरीश रावत ने प्रीतम सिंह के आरोप पर कही बड़ी बात। गदरपुर से सटे जंगल में चल रही थी अवैध असलहे बनाने की फैक्ट्री, पिता पुत्र समेत 3 गिरफ्तार, 7 फरार। में फूटा कोरोना बम, पिछले 24 घंटे में मिले 5,280 नए केस, कई शहरों में लगाया गया लॉकडाउन। लंदन में रूसी अरबपति के मेंशन पर प्रदर्शनकारियों ने किया कब्जा, कहा यूक्रेनी लोगों को देंगे शरण।
रूस और यूक्रेन की जंग का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के संचालन पर नहीं पड़ा कोई असर, सही समय पर लौटे अंतरिक्ष यात्री। हमले के बीच हो रही चौथे दौर की बातचीत, 28 लाख से ज्यादा नागरिकों ने छोड़ा यूक्रेन, दुनिया में खाद्य संकट पैदा होने की चेतावनी। यूक्रेन की राजधानी कीव में सुनाई दिए जोरदार धमाके, मारियोपोल शहर में अब तक 2,357 लोग मारे गए। सऊदी अरब ने तोड़ा अपना ऐतिहासिक रिकॉर्ड, एक साथ 81 अपराधियों को दी फांसी की सजा। कनाडा के टोरंटो में हुए सड़क हादसे में 5 भारतीय छात्रों की मौत, 2 घायल। जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों से कहा सरेंडर कर दो, हम इंसानों जैसा ही बर्ताव करेंगे। तालिबान ने कहा विदेशी सरकार का वर्जन है विचारधारा, अफगानिस्तान पर ना थोपे। यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए रूस को आर्थिक और सैन्य मदद देगा चीन, अमेरिका को दिया झटका। भरेंगे फर्राटा, जल्द लगेंगे 100 ई चार्जिंग स्टेशन, 2 रुपए में होगी गाड़ी चार्ज। रूस छोड़ने वाली कंपनियों के खिलाफ व्लादिमीर पुतिन करेंगे बड़ी कार्रवाई, एक्शन प्लान तैयार। आरबीआई की सख्ती से रिकॉर्ड निचले स्तर पर आए पेटीएम के शेयर, दिखी बड़ी गिरावट। सरकारी कर्मचारियों को मिल गया पुरानी पेंशन का तोहफा, सरकार ने होली से पहले किया बड़ा ऐलान। पेट्रोल 50 तो डीजल 75 रुपए महंगा, इंडियन ऑयल ने कहा यूक्रेन वॉर का असर। कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए बड़ी खबर, बदल गया है एमसीएक्स ट्रेडिंग का समय। वेस्टर्न एविएशन कंपनियों को झटका, लीज में 523 प्लेन के रूस देश में रखा सकता है, प्लेन को बाहर निकालने के लिए 28 मार्च तक का समय। एचडीएफसी बैंक ने होली से पहले खास एफडी पर इंटरेस्ट रेट में किया बड़ा बदलाव। आरबीआई ने जारी किए नए नियम, एनबीएफसी कंपनी के हालात ठीक करने के लिए आरबीआई का सख्त नियम। करोड़ों की डाइनिंग टेबल पर अश्नीर ग्रोवर की सफाई, भारत पे पूर्व एमडी बोले बिजनेस में 10 करोड़ लगाऊंगा तो 100 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष का दावा, ऐसा कर दूंगा कोच, विदेशी आईपीएल में खेलने नहीं जाएंगे। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी से मुरीद हुए सुनील गावस्कर, बोले बल्लेबाज उनका सामना नहीं करना चाहते। रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत को बताया सबसे खतरनाक, कहा 40 मिनट खेल जाए तो मैच का नक्शा बदल जाता है।
वर्ल्ड कप को देखते हुए बीसीसीआई फिटनेस को लेकर सख्त, खिलाड़ियों को आईपीएल में भी पालन करना होगा एनसीए का फिटनेस प्लान। ऋषभ पंत ने रचा इतिहास, भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में लगाया सबसे तेज अर्धशतक। हार्दिक पांड्या का ऐलान, आईपीएल के नए सीजन में करने वाला है धमाका, सबको कर देंगे सरप्राइज। सत्रह साल के युवा बल्लेबाज ने रचा इतिहास, झारखंड के लिए ईशा किशन के बाद खेली दूसरी सबसे बड़ी पारी। कोहली की तारीफ में डुप्लेसी ने पढ़े कशीदे, बोले विराट ने टीम इंडिया को बदल डाला। गुजरात टाइटंस ने लॉन्च की अपनी पहली जर्सी, कप्तान हार्दिक पांड्या का नया अवतार। श्रेयस अय्यर फरवरी 2022 के लिए बने वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, आईसीसी ने चुना प्लेयर ऑफ द मंथ। दर्शकों को झकझोर रही है द कश्मीर फाइल्स, लोग अनुपम खेर से बोले हम सच में नहीं जानते कि कश्मीरी पंडितों के साथ ये सब हुआ। आराध्या बच्चन की शुद्ध हिंदी सुन, लोगों को याद है अमिताभ बच्चन, मां ऐश्वर्या राय बच्चन से की तुलना। रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ स्पॉट हुई सुजैन खान, लोगों ने कहा अरे ऋतिक रोशन में क्या कमी थी। अभिषेक यामी स्टारर 10वीं का टीजर आउट, बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी है। द कश्मीर फाइल्स पर बॉलीवुड की चुप्पी पर भड़की कंगना, बोली चमचे सदमे में चले गए। कांग्रेस के ट्वीट पर विवाद, फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर केरल कांग्रेस बोली पंडित तो 400 ही मरे, मुस्लिम 15,000 मारे गए। लॉकअप में अंजलि को लगा झटका, सिद्धार्थ ने शिवम के कहने पर किया नॉमिनेट। आलिया भट्ट के बर्थडे पर आयान मुखर्जी ने दिया बड़ा गिफ्ट, रिलीज किया ब्रह्मास्त्र से एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक। ब्रेकअप की खबरों के बीच हाथ में हाथ डाले नजर आए राकेश, शमिता बंद किए ट्रोलर्स के मुंह। अम्रपाली दुबे ने बताया सिनेमा का अर्थ, जानकर आपका भी मन कुछ नया करने का करेगा। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।